वेलकम टू माई चैनल। और आज डेट है 20 अगस्त और आज दिन है ट्यूसडे। टाइम हो रहा है सुबह का 9 o'clock। जैसा कि आपने सुबह देखा, आज मैंने आपको अपना थोड़ा सा सुबह का मॉर्निंग रूटीन दिखाया। मौसम साफ था तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा योगा और थोड़ी वॉक कर लेते हैं। तो बस मैं नीचे गई थी, थोड़ी देर वॉक करके आई हूँ। अब मैंने शावर ले लिया है, रेडी हो गई हूँ, घर बिल्कुल क्लीन कर लिया है। पीहू को जाना है स्कूल छोड़ने, तो अब मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है यहाँ ओट्स, मीठे वाले ओट्स यानी मिल्क वाले ओट्स बनाए हैं। मैं और पीहू जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाऊँगी दौड़ते दौड़ते पीहू को स्कूल छोड़ के आऊँगी, स्कूल से छोड़ के घर आऊँगी, उसके बाद फिर तब आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। घर आ गई हूँ पीहू को स्कूल से छोड़ करके, और ये हम लोग डी मार्ट से चावल लेकर के आए थे। तो अब मैं इसको डिब्बे में भर दूँगी जिससे कि ये इजीली निकालने में और यूज़ करने में आराम रहे। तो मैं इसका पैकेट जो है वो खोल रही हूँ चाकू से और फिर इसको डिब्बे में भर लूँगी। ये इसी डिब्बे में मैं भरती हूँ, ये मूसली का डिब्बा है और ये खाली हो गया है, तो मैं इसको ही इसमें फिल करके रख लेती हूँ और जितना बचेगा उसको पैकेट में ही करके रख दूँगी। और पहले पैकेट वाला यूज़ करती रहूँगी, बाद में फिर ये डिब्बे वाला यूज़ करूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं और मैं पीहू को स्कूल से लेकर के आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि पीहू ने यहाँ पे ये क्या क्या करके रखा है। मैं उससे पूछ रही हूँ ये कौन है ये क्या है, तो वो टैडी के नाम बता रही है और उसने पूरा बेड में सारे टैडी सजा दिए हैं, अपनी चेयर रख दी है। तो इस तरह से पीहू अपना आके अपने काम में बिजी हो गई है। और वो बिग बिग वाले टैडी का क्या नाम है? स्मॉल तो ये बैठा हुआ है, लेकिन वो जो वो बैठा है पिंक कलर का बिग वाला, उसका क्या नाम है टैडी का? हाँ, आरोही। आरोही तो ये है, तो उसका क्या नाम है? उसका तो है। क्या नाम है बोलिए? बड़ा टैडी। ओके, लेकिन आपने चेयर ऊपर क्यों रखी है? चेयर तो नीचे रखिए, क्योंकि बेड पे चेयर नहीं रखते हैं। उतारिए उतारिए चेयर को, जाइए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, गो गो। चलो चलो चलो, जल्दी से चेयर यहाँ पे सेट करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोगों ने अभी चाय पी है। बस मैं बैठी थी चाय पी करके, तो आज मन हो रहा है कि कुछ चलो पास्ता बनाते हैं। तो बहुत दिन हो गए मैंने पास्ता नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ चलो पास्ता बनाते हैं। और फिर पास्ता की रेसिपी वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं अभी बनाती हूँ पास्ता और आज आप लोग के कॉमेंट्स भी मुझे रीड करने हैं। तो चलिए फिर मैं जल्दी से पास्ता बना करके फिर आपसे मिलती हूँ और फिर आपके कॉमेंट्स को रीड करती हूँ। We'll be right back.
सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है डिनर का और डिनर बनाने का, तो मैं आ गई हूँ इस समय किचन में। मैं गई थी नीचे पीयू को घुमा करके लेकर के आई, पनीर लेकर के आई, और अब मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ फ्रैंकी रोल। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च, अनियन और पनीर को चॉप कर लिया है। आपके पास और जो जो सब्जियाँ हैं आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे मशरूम हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया। आज मेरे पास सिर्फ इतनी ही सब्जियाँ हैं, तो मैं इन्हीं से ही अपना फ्रैंकी रोल बनाऊँगी। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा भी था कि आप फ्रैंकी रोल की रेसिपी शेयर करिए, तो मैं पूरी पूरी रेसिपी इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे बना रही हूं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद मैंने अनियन को स्लाइस में काट लिया है और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। जब तक प्याज भून रहा है तो चलिए आटा गूंथ लेते हैं। आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और मैं इसको अच्छे से गूंथ लूंगी। आटा हमारा गूंथ लिया गया है और मतलब गूंथ गया है, और मेरे यहाँ देखिए प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आपके पास अगर नहीं है तो आप अपने घर का भी जिंजर और गार्लिक को पेस्ट बना करके डाल सकते हैं। अब मैंने इसको डाल के अच्छे से भून लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी अब शिमला मिर्च जो कि मैंने काट के रखी थी, और अपना जो पनीर चॉप करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटो सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। और ज़्यादा कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला है, लेकिन इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपके फ्रैंकी रोल में। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार घर पे ट्राई करिएगा, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें टैंगी सा जो आप टमाटो सॉस डालते हैं वो टैंगी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए। तीखापन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो बस इस तरह से मैं सब कुछ डाल करके इसको चला लूँगी और थोड़ा सा 2 से 4 मिनट पका लूँगी ये सब्जियों को। हमारी फिलिंग यानी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। चलिए अब फ्रैंकी बनाते हैं, मतलब कि रोटी जो है उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आटा हमारा अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसको और अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी और छोटी छोटी लोई बना लूँगी। लोई हमें ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमें बहुत ही पतली रोटी बेलनी है। आप चाहें तो आप मैदे की भी बना सकते हैं, बट मैदा इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। मार्केट में जो मिलती है फ्रैंकी रोल वो मैदे की ही होती है, बट मैं यहाँ पर आटे का ही बना रही हूँ। और मैंने इसको अच्छे से बेलना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही पतली लेयर मैं इसको बेलूंगी। और फिर बेलने के बाद इसको मैं तवे पे डाल दूंगी सेकने के लिए। हल्का सा घी लगा दूंगी जिससे कि ये अच्छे से सिक जाएगा, और जब ये हल्का दोनों तरफ सिक जाएगा फिर मैं इसमें लगाऊंगी पहले टमाटो सॉस, उसके बाद चिली सॉस। मैंने आपको बोला आप सॉस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर हमें अपनी फिलिंग रखनी है। फिलिंग में आप ऊपर से चाहें तो आप टमाटो भी डाल सकते हैं, मेरे हस्बैंड को टमाटो पसंद है तो मैं उसके ऊपर टमाटो भी डाल दूंगी। चीज़ है आपके पास तो आप चीज़ ग्रेट करके डाल दीजिए। और फिर इसको देखिए मैं आपको बांधना बताऊँगी किस तरह से आपको इसको रैप करना है। Thank you.
देखिए मैंने आपके सामने इसको रैप करके दिखाया है, सेम इसी तरह आपको अपने फ्रैंकी रोल को रैप करना है। इससे आपका जो अंदर का फिलिंग है वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो मैं इस तरह से दोनों फ्रैंकी रोल बना लूँगी और फिर मैं इसको एक बार और तवे में डाल दूँगी, जिससे कि ये और अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। और देसी घी में ही इसको हमें सेकना है बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है तवे पे। तो ये मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड यानी पति देव को दूंगी खाने के लिए, और ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। वो खा लिए पूरा, खाते गए बाद में मैंने पूछा कैसा बना था, तो वो मुंडी ऐसे सर अपना सर ऐसे करके कह रहे हैं हाँ हाँ अच्छा लगा। काश कि वो दिल रखने के लिए ही कह देते कि अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है कुछ ऐसा बनाओ और कोई तारीफ़ कर दे। तो बस यही था, आज हमारा डिनर हो गया है। और ये देखिए हमारा आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, आइए आप भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में डिनर करके। फ्रेंड्स अभी मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और हमारा डिनर हो चुका है। काफ़ी अच्छा फ्रैंकी रोल बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा है और हेल्दी भी है। तो बाहर के फ्रैंकी रोल से मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बाहर का ज़्यादा फ्रैंकी रोल या फिर कुछ भी ऐसा बारिश के टाइम तो बिल्कुल भी मत खाएँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से कॉमेंट्स रीड कर लेते हैं आप लोग। सबसे पहला कॉमेंट है वो है लवप्रीत कौर जी का, जो मेरे कल वाले वीडियो पर बोल रही हैं काश मैं आपके हाथ के पराठे खा सकती। तो लवप्रीत आप बिल्कुल टेंशन ना लो, जब भी हम कभी मिलेंगे तो हम लोग ज़रूर साथ में पराठे बनाएंगे और खाएंगे, यू डोंट वरी, और जल्दी वो दिन आएगा। तो आज का जो नेक्स्ट कमेंट है वो है जैनब अंसारी जी का, वो बोल रही हैं नाइस वीडियो, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी होगी। तो जैनब थैंक यू सो मच कि आप मतलब मेरे लिए इतना सोचते हो, थैंक यू सो मच। और बस जल्दी जल्दी आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करो और इसी तरह प्यार बनाए रखो, थैंक यू जैनब। आज का जो नेक्स्ट कमेंट है वो है ओजस शर्मा, उनकी आईडी है और उनका नाम है भूमिका। वो बोल रही हैं लव यू बुलबुल जी, जलने पर बहुत पेन होता है, मैंने कल आपकी वीडियो नहीं देखी पर आज देखी है, आप बहुत स्वीट लग रही हो, सबीहू के लिए बहुत प्यार, मेरा नाम भी लेना अपने वीडियो में, मेरा नाम भूमिका है। तो भूमिका जी मैंने आपका नाम ले लिया है, थोड़ा सा लेट हो जाता है बट मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ और आपका भी नाम मैंने ले लिया है। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है वो है निकी म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग का, वो बोल रही हैं हेलो दी बहुत अच्छा लगा, जब पीहू ने बोला लव यू पीहू बहुत क्यूट लग रही थी, आई लव यू पीहू बेटा जी, बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियो मुझे दी, हर रोज़ सुबह आपकी वीडियो का इंतज़ार करती हूँ मैं दी। तो थैंक यू निकी, थैंक यू सो मच, आपको मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है, मुझे भी आप लोगों से मिलने का, कनेक्ट होने का, वीडियो डालने का बहुत इंतज़ार होता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने वीडियो पोस्ट करूं और आप लोगों का प्यार जल्दी जल्दी ले लूं। तो बस यही है और बस, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे व्लॉग बनकर मतलब फिनिश कर देती हूं और मिलती हूं आपको कल और एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।